नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी स्कैम के बारे में जाना, उसमें हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने बैंक के साथ फ्रॉड किए और कुछ लोग स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से ट्रेड करते थे। दोस्तों, आज हम जिस स्कैम के बारे में बात करेंगे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ धोखा किया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी, इनके द्वारा किया गया 3,000 करोड़ का स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी स्टोरी। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी ये बेलागावी कर्नाटका से बिलोंग करते थे और उनके फादर इंडियन रेलवे में काम करते थे। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। इसके वजह से वो बहुत गरीब हो गए थे। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो ट्रेन में सब्जी और फल बेचना शुरू कर दिए थे। वो घर संभालने के साथ साथ उनके खुद के पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाए। उनका स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने आगे बीकॉम के स्टडी के लिए साउथ अरेबिया चले गए। फिर जब 7 साल बाद वो इंडिया वापस आए, तो उन्होंने ट्रैवल एजेंट का वर्क करना स्टार्ट किया। वो पैसे लेकर टूर कराने के बजाय लोगों का पैसा लेकर उन्हें धोखा देते थे। इस वजह से वो 1991 में जेल चले गए थे और फिर 1994 में वो जेल से रिहा हुए। कहा जाता है कि वो जेल में ही फॉर्जरी का काम सीखे थे। जैसे ही वो 1994 में जेल से बाहर आए, वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर मुंबई में स्टैम्प पेपर सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किए। वो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यहाँ से होलसेल में स्टैम्प पेपर खरीदते थे और इसे आगे रिटेल में बेच देते थे। उन्होंने ISP ऑफिसर को पैसे देकर, मतलब ब्राइब करके, उनसे स्टैम्प पेपर बनाने की मशीन खरीद लिए थे। यूजुअली गवर्नमेंट इन स्टैम्प पेपर मशीन को तोड़ देते हैं ताकि उनसे नकली स्टैम्प पेपर ना बनाया जा सके, पर उन ISP ऑफिसर ने अब्दुल करीम तेलगी से पैसे लेकर ये स्टैम्प पेपर बनाने का मशीन अच्छी कंडीशन में ही सेल कर दिए। साथ ही वो अब्दुल करीम को स्टैम्प पेपर बनाने का पेपर और इंक दोनों सप्लाई करते थे। और फिर अब्दुल करीम बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर बनाने लगे थे और 350 से भी ज्यादा सेल एजेंट उनके अंडर काम करने लगे थे। ये एजेंट बल्क में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और कॉरपोरेशन, इनको बल्क में स्टैम्प पेपर सप्लाई करते थे। और जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक से स्टैम्प पेपर सप्लाई होते थे ट्रेन के जरिए, तो अब्दुल करीम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों को पैसे देकर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट के दौरान ये ओरिजिनल स्टैम्प पेपर उनसे खरीद लेते थे। इसी के कारण बाकी के डीलर्स के पास स्टैम्प पेपर की कमी हो जाती थी। लोगों को मजबूर होकर अब्दुल करीम से ही स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता था, जिस वजह से अब्दुल करीम तेलगी की मार्केट में मोनोपोली हो गई थी। अब्दुल करीम तेलगी वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर के साथ फेक स्टैम्प पेपर को मिलाकर सेल करते थे, इस वजह से लोगों को उसके ऊपर शक भी नहीं होता था। 1994 से 2002 तक उन्होंने इस बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। उन्होंने बड़े बड़े घर और महंगी महंगी कार, ये सब कुछ खरीद लिए थे। 2002 की बात है, एक दिन बैंगलोर पुलिस ने उनके दो एजेंट को पकड़ लिए जो वैन में फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और फिर इंटरोगेशन के दौरान इन दोनों ने पूरा नेटवर्क फेक स्टैम्प पेपर बनाने के बारे में ये सब कुछ सच सच बता दिए। और फिर बैंगलोर पुलिस दूसरे स्टेट में रेड डालने लगे और इन्हीं रेड्स के दौरान उनको अब्दुल करीम के बारे में पता चला। और फिर बैंगलोर पुलिस ने टीम बनाकर अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर राजस्थान से अरेस्ट किए। पूरे इंटरोगेशन के दौरान उसने अपने आप को बस एक एजेंट बताया ताकि पुलिस को उस पर ज्यादा शक ना हो। और पुलिस को ये भी नहीं पता चल रहा था कि पूरे स्टैम्प पेपर स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस ने उनको जेल में भी अरेस्ट कर लिए, फिर भी वो फोन के जरिए उसका पूरा बिजनेस हैंडल कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को उनके फोन के बारे में पता चलता था, तब तक वो उस फोन को और सिम कार्ड को तोड़कर फेंक देते थे। दोस्तों, ये हम 2003 की बात कर रहे हैं, तब फोन्स नए नए आए थे इंडिया में। और फिर ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया और फिर CBI भी अब्दुल करीम तेलगी को मास्टरमाइंड साबित करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अब्दुल करीम के अगेंस्ट सबूत नहीं हासिल कर पाए। यह 2006 में कोर्ट में पता चला अब्दुल करीम तेलगी के फॉर्जरी के बारे में और फिर कोर्ट ने उनको 30 इयर्स के लिए जेल में डाल दिए। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी की चुप्पी के वजह से आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कि ये स्कैम कितना ज्यादा बड़ा था। और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये पता चल रहा था
इस स्टैम्प पेपर स्कैम से 32,000 करोड़ कमाए थे उन्होंने। ईयर 2017 में उनकी डेथ हो गई मेनिनजाइटिस, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियों के वजह से। और फिर कोर्ट ने उन पर चल रहे सारे केसेस बंद कर दिए और इंडिया के लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कैम के वक्त बेचे गए जितने भी स्टैम्प पेपर थे उनको लीगलाइज कर दिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारी YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।